अभी हम देख सकते हैं छठ घाट, छठ घाट में अभी सूर्य अस्त हो चुका है। अब सब सूर्य देवता के बाद में अब धीरे धीरे घर जाएंगे, अब कल सवेरे फिर आएंगे। आप देख सकते हैं मंदलिया में महानदी घाट जो दोनों तरफ बोल भीड़ है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। आइए यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं। नमस्कार, आज हम लोग चंदन नगर महानदी घाट में है। यहाँ छठ मैया का बहुत जोर पूजा होती है। हम देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में हमारी माँ बहन आती है, हर कोई छठ मैया का पूजा करने के बाद चले जाती है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है और हमारे सामने में कई समाज से भी आ चुके हैं और हर कोई यहाँ पर पहुँचे हैं। सर आपका नाम बताएंगे? सुरेश सर। नाम? प्रेमलाल सर। प्रेमलाल साहब ठीक। आपका? प्रदीप चंद्रा। नरेश शर्मा। तुम? नरेश साहू। अमरजीत साहू। अच्छा सिंह। अभी हमारे सामने में जो एमपी के नोमनी नेताजी, हाँ सर, आज जो यहाँ पर छठ घाट में आया, जो संबलपुर वासी को क्या मैसेज देंगे इसके बारे में बताएंगे? सर चौथा लगे हमारे बिहारी समाज समस्त परिवार को, संबलपुर तथा ओडिशार समस्त परिवार को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सूर्य भगवान को आशीर्वाद सबको रूप में खाऊ, सब परिवार को रूप चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। एटा खाली बिहारी समाज नुहे, एटा सारा समाज ने करुचन, मारवाड़ी पंजाबी गुजराती हर समाज के लोग यहाँ पर करते हैं छठ पूजा का। और जो भी छठ मैया से मांगता है उसकी मान्यता पूरी होती है। हम तो यहाँ पर देखे कई मारवाड़ी समाज, वो भी कहते हैं कि हम छठ मैया से मांगे, आज आप फिर वापस आए हमारी मान्यता पूर्ण। इसीलिए हम कहेंगे हमारे एमपी की नॉमिनी जो है वो भी कहते हैं कि हम पूरे संबलपुर वासियों को हर किसी को छठ मैया के लिए बधाई देते हैं और हर कोई आए और छठ पूजा करे और यहाँ पर माँ के दर्शन करें। हाँ नरेश जी बोलेंगे? चल तू बोल दे, आप क्या बोलना चाहेंगे? छठ पूजा हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सबसे पूजा माना जाता है और हम सब बिहार बिहारी और यहाँ के सभी वर्ग के लोग के लिए छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भैया सुन, बोले नाम बोल दो। अशोक साहब। हाँ चलिए, अभी हमारे सामने अशोक साहब भी आ चुके हैं, सुरेश बाबू आ गया, हर कोई पहुंच चुके हैं। आइए आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।